10 बाय 10 का रूम बना रहे हैं तो उसमें 4,000 के करीब में आपका लाल ईंटा लगेगा। लाल ईंटा का कॉस्टिंग आप जोड़ते हैं तो अप्रोक्स आपको 50,000 तक, एक रूम 10 बाय 10 का बनाते हैं तो 50,000 तक चला जाएगा। वही सेम फ्लाई ऐश से अगर आप ईंट बनाते हैं तो आपका 3,000 के करीब में ये ईंट लगता है और 30,000 के अंदर में ये आपका ये 10 बाय 10 का रूम तैयार हो जाएगा। मतलब 20,000 का डायरेक्ट आपका बचत है, ऑलमोस्ट 40-45% आपका सेविंग हो रहा है। मान लीजिए आप कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं और आपके पास फिनंशियली कोई दिक्कत आ गई या प्लास्टर नहीं करवाए हैं तो डायरेक्ट पुट्टी करवा के इस पर पेंट कर सकते हैं या आप कोई डिज़ाइन भी बना सकते हैं। वायरिंग करते हैं बिजली का या नल का करते हैं तो लाल ईंट में क्या होता है कि बहुत तोड़ फोड़ करना पड़ेगा, लेबर कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आएगा, घर वाइब्रेट करेगा, ये बहुत ईजिली और सलीके से हो जाएगा और लेबर कॉस्ट बहुत कम आएगा। इसका साइज फिनिशिंग एक समान होता है, उबर खाबर नहीं होता है इसमें, इसलिए आप जोड़ते वक्त में ऑलमोस्ट 40-50% कम मसाला लगेगा और प्लास्टर में तो 60-70% कम मसाला लगता है। ये बहुत हाई प्रेशर पर बना रहता है ये ईंट तो ये तापरोधी होता है तो गर्मी में आपका घर ठंडा रहेगा और ठंडक में ये गर्म रहेगा। अगर आप बेहतर मकान की कल्पना करते हैं तो जाहिर है कम से कम बजट 10 लाख के ऊपर बजट आप लेकर के ही घर निर्माण की सोचते हैं। अमूमन इसमें ईंट की भूमिका, मसाला की भूमिका होती ही है, छड़ की भूमिका होती है, लेकिन सबसे अगर महत्वपूर्ण है तो वो है ईंट जिस पर बुनियाद रखी जाती है, वो ज़मीन के अंदर से निकल कर के आपको छत तक पहुंचाती है और उसी पर ज़्यादा लागत भी आती है। ऐसे में फ्लाई ऐश ईंट जिसे पर्यावरण विभाग के द्वारा भी काफ़ी प्रोत्साहित किया जाता है, इस ईंट अमूमन जो मकान आप 10 लाख में पूरा तैयार कर लेंगे वो मकान 6 से 7 लाख में आप निर्माण करा चुके होंगे। फिलहाल आप देख रहे हैं BNN न्यूज़ और अभी हम हैं बेनीपट्टी के ड्योढ़ी ननकू बाबू ड्योढ़ी स्थित जो फ्लाई ऐश ईंट का संचालन हो रहा है, यहाँ जो फैक्ट्री लगी है उस फैक्ट्री में हम हैं, जहाँ आपको पीछे आप हमारे पीछे देख रहे होंगे कि यहाँ फ्लाई ऐश ईंट भारी पैमाने पर बन रहा है। चूँकि आपको एक चीज़ और बता दें कि यह बेनीपट्टी अनुमंडल में इकलौता ऐसा फ्लाई ऐश है ईंट निर्माता है जो अपने कुबत पर बना करके लोगों को ईंट मुहैया करा रहे हैं और बाकायदा इसके जो संचालक हैं विकास जी, उन्होंने अपने मकान के आगे मकान निर्माण कराकर इसी ईंट से वो चुनौती भी दे रहे थे कि अगर कुछ लोगों को इस ईंट पर अविश्वास हो तो यह देख ले कि विकास जी भी खुद इसी मकान में रहते हैं। फ्लाई ऐश के बारे में काफ़ी चर्चाएं हैं लेकिन अभी भी कमोबेश देखी जा रही है ग्रामीण इलाकों में कि इसको लेकर के एक संशय है। लाल ईंट वा चूँकि परंपरागत तो रह गई है कि लाल ईंट से ही मकान बनेगा और इस मिथक को आप तोड़ रहे हैं, लग रहा है कि सफल है। देखिए फ्लाई ऐश सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अवेयरनेस का, जानकारी का बहुत अभाव है लोगों में। मैं कभी ये शुरू से ही मैं कहते आ रहा हूँ कि लाल ईंट ख़राब नहीं है लेकिन ये जो फ्लाई ऐश ईंट जो होता है इसकी अपनी एक विशेषताएँ हैं, अप्रत्यक्ष रूप से बहुत फायदेकारक है जो कि लाल ईंट में नहीं मिलता है। सबसे पहला मेजर कॉस्टिंग, आप कोई भी घर बनाते हैं, बाउंड्री वॉल, जो भी कंस्ट्रक्शन काम है, ये गारंटी है जो 30-40% आप कम लागत आएगा। अब मजबूती इसका 3 गुना, लाल ईंट की अपेक्षा 3 गुना ज़्यादा होता है कि जो जो ये पुराना होता है इसका स्ट्रेंथ लेवल बढ़ता है ना कि घटता है। ना आपको घुन लगेगा इसमें, ना आपका रिसाव आएगा जिसको बारिश के मौसम में जो सीलन नहीं आएगी इसमें, बदबू नहीं करेगा आपका। सेकंड के इसके में कि बहुत हाई प्रेशर पे बना रहता है ये ईंट तो ये तापरोधी होता है तो गर्मी में आपका घर ठंडा रहेगा और ठंडक में ये गर्म रहेगा। सेकंड इसका जैसे कि आपको घर बनाने के बाद वायरिंग करते हैं बिजली का या नल का करते हैं तो लाल ईंट में क्या होता है कि बहुत तोड़ फोड़ करना पड़ेगा, लेबर कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आएगा, घर वाइब्रेट करेगा, ये बहुत ईजिली और सलीके से हो जाएगा और लेबर कॉस्ट बहुत कम आएगा। सेकंड है कि मान लीजिए आप कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं और आपके पास फिनंशियली कोई दिक्कत आ गई या प्लास्टर नहीं करवाए हैं तो डायरेक्ट पुट्टी करवा के इस पर पेंट कर सकते हैं या आप कोई डिज़ाइन भी बना सकते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से इसकी बहुत सारी विशेषताएँ हैं। और कॉस्टिंग में जैसे कि आप मान लें जैसे आप 10 बाय 10 का रूम बना रहे हैं तो उसमें 4,000 के करीब में आपका लाल ईंटा लगेगा। लाल ईंटा का कॉस्टिंग आप जोड़ते हैं तो अप्रोक्स आपको 50,000 तक, एक रूम 10 बाय 10 का बनाते हैं तो 50,000 तक चला जाएगा। वही सेम फ्लाई ऐश से अगर आप ईंट बनाते हैं तो आपका 3,000 के करीब में ये ईंट लगता है और 30,000 के अंदर में ये आपका ये 10 बाय 10 का रूम तैयार हो जाएगा। मतलब 20,000 का डायरेक्ट आपका बचत है, ऑलमोस्ट 40-45% आपका सेविंग हो रहा है। ये सबसे बड़ा खासियत फ्लाई ऐश में है।
फ्लाई ऐश के निर्माण में जिस तरह से हमारे कुछ राजमिस्त्रियों से कुछ हमारी बात हुई थी ऑफ द रिकॉर्ड, तो उन्होंने बताया था कि इसके जोड़ने में भी काफ़ी मसालों की कमी होती है, काफ़ी मसाले कम लगते हैं। उसके बाद दीवार अगर आप प्लास्टर करा रहे हैं उसमें भी कुछ मसाले की काफ़ी कमी, चूँकि उनका यह कहना था कि यह बालू और सीमेंट से ही बना हुआ ईंट है, तो इसमें बालू सीमेंट जब मसाला जोड़ने के समय में दीवार जोड़ने के समय आता है तो काफ़ी कम है। इसमें क्या सच्चाई है? देखिए सबसे ये 100% सच्चाई है इस बात में, क्योंकि ये जो ईंट होता है फ्लाई ऐश ना, इसका साइज फिनिशिंग एक समान होता है, उबर खावर नहीं होता है इसमें, इसलिए आप जोड़ते वक्त में ऑलमोस्ट 40-50% कम मसाला लगेगा, और प्लास्टर में तो 60-70% कम मसाला लगता है। जहाँ पे आपका सपोज 10 फीट आपको 10x10 का प्लास्टर करना है, एक बोरा सीमेंट लगना है, हाँ वहाँ पे इससे करते हैं तो आधे बोरा सीमेंट में आपका प्लास्टर हो जाएगा। अगर आपको फ्लाई ऐश की बात की जाए, धजरी में आप बेनीपट्टी अनुमंडल में इकलौता आप इसका संचालन करा रहे हैं, अगर अभी माल डिलीवरी की बात की जाए इस इटेवा के प्रति, ये तो आप भी मान रहे हैं कि इसके प्रति लोग जागरूक कम हैं, लेकिन अगर इसके उठाव की बात की जाए तो कहाँ तक अभी तक आप सफल हो पा रहे हैं? देखिए हम काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है, जहाँ जहाँ मेरा इंट गया हुआ है वहाँ से रिपीट ऑर्डर भी आया है, और धीरे धीरे जहाँ जहाँ पे देख के भी लोग इसके बारे में जो हमारे प्लांट पे भी आते हैं बहुत सारा इंक्वायरी है, तो टाइम लगेगा लेकिन अच्छा है, बहुत अच्छा मतलब रिस्पॉन्स है। अगर बात की जाए मधुबनी ज़िले में तो एकमात्र आप ही का नहीं है, बेनीपट्टी अनुमंडल में भले ही आपका एकमात्र फ्लाई ऐश आप बना रहे हैं, लेकिन दूसरे ईट फ्लाई ऐश जो बना रहे हैं और आप बना रहे हैं उसमें अगर तुलनात्मक बात की जाए तो क्या लग रहा है बेहतर, आप कैसे अपने आप को आकलन कीजिएगा? देखिए आप दूसरे प्लांट पे भी विजिट कर सकते हैं, मैं किसी का शिकायत नहीं करूँगा ना क्वालिटी के बारे में बोलूँगा, लेकिन जहाँ जहाँ पर मैं गया हूँ साइज़ का बहुत अंतर है। आप मान लें दूसरे प्लांट में जाएंगे जहाँ पे, तो उनका साइज़ देखें, जो लाल ईंट का साइज़ होता है ना वो वही साइज़ होता है, मतलब जो आपका 1000 अगर लाल ईंट लग रहा है तो दूसरे प्लांट से आप कर देंगे तो 1000 ही ईंट लगना है, लेकिन हमारे प्लांट में जो आप ख़रीदते हैं तो जहाँ पे लाल ईंट 1000 लग रहा है वहाँ पर आपको 250-300 ही ईंट लगना है। ये बहुत बड़ा फ़र्क है जो आपको कॉस्टिंग में सेव करेगा, मसाला हर चीज़ में, लेबर से लेकर जब भी ईंटा कम लगेगा तो हर चीज़ में बचत होना शुरू हो जाता है, इसलिए कहीं कि मेरे यहाँ का ईंट बेहतर है किसी तुलना अगर दूसरे प्लांट से करते हैं तो। अगर रेट की बात की जाए तो आप कुछ हमारे दर्शकों को यह बताएं कि इसका रेट क्या है, क्योंकि अमूमन अगर अभी लाल ईंट की बात की जाए तो 12-12.5 के आसपास तो अभी 1000 पीस ईंटा मिल रहा है, लेकिन फ्लाई ऐश की बारे में बात की जाए तो इसका क्या कॉस्ट है? और कई ऐसे भी संचालक हैं, भट्टा संचालक, जो एक अमूमन दर पर या किलोमीटर के रेंज पर कहते हैं कि इतना ही हम भाड़ा लेंगे, तो ग्राहकों के लिए भी कोई छूट है? देखिए सबसे पहले क्या है कि ये फ्लाई ऐश ईंट का जो रेट फिक्स नहीं है, कि ये डिपेंड करता है मार्केट पे फ्लाई ऐश का क्या रेट है, बालू का क्या है, सीमेंट का, इस पर फिक्स करता है। अभी जो एट प्रेजेंट जो है जो 3-4 किलोमीटर के रेडियस में 9,500 रुपया हम पहुँचा के भेजते हैं, जो मिनिमम से मिनिमम जो हमारा कॉस्ट हो सकता है इस पर हम लोग अभी कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ विकास मिश्रा, जो इस ड्योढ़ी फ्लैश ईंट के संचालक हैं, और आपने बताया कि इन्होंने बड़ी बारीकी से बताया कि यह ईंट क्यों, लाल ईंट के बारे में तो लगातार सरकार और विभाग आगाह करती ही है, लेकिन यह फ्लाई ऐश विकल्प के तौर पर जो नज़र आ रहा है वो बेहतर क्यों, क्या कारण है कि यह दावा करते हैं कि जो मकान 10 लाख में बनेगा वो मकान अगर इस ईंटा का प्रयोग करके बनाया जाता है तो 6-7 लाख में निर्माण हो जाएगा। तो फिलहाल हम लोगों से भी अपील करेंगे कि यह ईंट आप एक बार प्रयोग करें, अगर बेहतर लगे तो बेहतर परिणाम के साथ ऐसे जो रोज़गार से जुड़े हैं उन्हें हौसला भी देना काफ़ी है। कन्हैया मिश्र, BNN न्यूज़, धगजरी। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं, EMI पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं, साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।